चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधी दोनों नए विधेयक राजभवन में फंस गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसी वजह से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबों के लिए बनाए गए आरक्षण के नए प्रावधान अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इन विधेयकों की कानूनी चुनौतियों को लेकर अधिकारियों से बात करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते ही छत्तीसगढ़ में चल रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा था। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी 2 संशोधन विधेयक पारित करवाए हैं। इनमें से आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया है।